Welcome to our brand new channel. Aaj hi chalu kiya hai. This is my first video lecture. So, first let me introduce myself. My name is Yuvraj Singh Rathore. I'm 2019 pass out from Electrical Engineering from Government Engineering College, Ajmer, Rajasthan. तो ये चैनल मेरे और मेरे दोस्त सौरभ जैन ने मिलके डिसाइड किया था हमने बहुत टाइम पहले कि हम ये चैनल चालू करेंगे लेकिन हमको कुछ टॉपिक मिल नहीं रहा था और इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे सो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं तो हमने गेट की प्रिपरेशन करी 2019 गेट के लिए प्रिपेयर किया था हमने उस टाइम 2019 में तो इतना कुछ खास हो नहीं पाया इनके लोकल कोचिंग सेंटर से तो 2019 में तो कुछ खास हो नहीं पाया तो हमने सोचा दोनों ने कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे साथ मिलके तो इस साल हमने अच्छे से प्रिपेयर किया गेट दिया है अब वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट देखते हैं होप फॉर द बेस्ट सही रैंक आ जाए ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे सो हमने सेल्फ प्रिपेयर की जर्नी का टाइम ये पाया कि नेट पर आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है बस एक चीज़ की जो कमी रह जाती है जो मेरे पास पर्सनली मेरे पास और सौरभ के पास कमी थी वो ये थी कि हमारे पास प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स तो थे अच्छी कोचिंग्स के थे हमने अच्छे मॉड्यूल्स भी थी और यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है स्टडी से रिलेटेड लेकिन एक चीज़ यूट्यूब पे नहीं है जो कि एक प्रॉपर सोल्यूशन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो क्या होता है काफ़ी सारे क्वेश्चन गेट में गलत तरीके से फॉर्म किए गए हैं या थोड़े ट्रिकी होते हैं या डिफरेंट कंसेप्ट लगता है तो उन क्वेश्चंस के लिए हमको बहुत ज़्यादा सर भिड़ाना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा मैं तो मतलब पूरे पूरे दिन लेके बैठा रहता था तब जाके वो कंसेप्ट क्लियर होता था फिर उससे क्वेश्चन क्लियर होते थे तो यहीं पर अगर मेरा कोई प्रॉपर सोल्यूशन अवेलेबल होता तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाता तो हमने अभी के लिए इस चैनल के लिए नई शुरुआत के लिए यही सोचा है कि इसमें हम हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपके 13 तो है नहीं क्योंकि एप्टीट्यूड अलग कर दो तो जो भी आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड गेट के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ट्राई करेंगे बाद में टाइम मिलेगा तो कि कॉमन सब्जेक्ट जो हैं ईसी और ईआईसी के उनके भी वीडियो लेक्चर्स बनाए तो कॉमन ही बना पाएंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अलग है देखते हैं बाद में अगर ग्रोथ होती है चैनल की तो दूसरों से टाई अप करेंगे और बाकी सिविल इंजीनियरिंग मेडिकल इंजीनियरिंग के भी आपको प्रोवाइड कराएंगे तो एक प्रॉपर वीडियो सीरीज़ बनाएंगे आप लोगों के लिए जिसके अंदर गेट के प्रीवियस ईयर के प्रॉपर सोल्यूशन होंगे और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं होंगे छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आप उनसे जब भी चाहें आप रेफ़र कर सकते हैं तो इस वीडियो सीरीज़ के लिए मैं मेड इजी की बुक रेफ़र कर रहा हूँ हमने 2019 के लिए प्रिपरेशन करी थी उस टाइम हमने इसको पर्च किया था तो अब तो काफ़ी पुरानी हो गई है लेकिन हाँ डोंट वरी लास्ट के दो ईयर के जो 2019 और 20 के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट चालू करते हैं देखते हैं कहाँ तक जाती है अपनी जर्नी मेरे को साल भर लगेगा ये सारे अपलोड करने में 13 सब्जेक्ट्स अगर मैं रेगुलर रहता हूँ तो आई विल ट्राई माय बेस्ट सो हाँ एक और चीज़ मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से चालू कर रहा हूँ मतलब बेसिकली सर्किट थ्योरी से चालू कर रहा हूँ क्योंकि आई एम न्यू टू द टॉकिंग टू द कैमरा तो मेरे को कैमरे से बात करने के लिए थोड़ी आदत नहीं है अभी तो इसलिए मैं छोटे सब्जेक्ट से चालू कर रहा हूँ ताकि मैं यूज़ टू हो जाऊँ बाद में फिर हम धीरे धीरे कोर सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट से चालू कर रहा हूँ तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा देखिए ज़रा ट्रांजिएंट से क्वेश्चन है ये ट्रांजिएंट वाले चैप्टर से है सेकंड चैप्टर में मेड इजी की बुक रेफर कर रहा हूँ आपको पता है प्रीवियस ईयर तो उसमें से देख लीजिएगा नहीं तो आराम से आपको इजीली स्क्रीन पे दिख रहा है अभी सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गेट 1992 का क्वेश्चन है वर्म मार्क का द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज सो एक नेटवर्क गिवन है आपको देख लीजिए इस नेटवर्क को इसमें एक स्विच है जो कि पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्लोज हुआ है बाकी काफ़ी सिंपल सा नेटवर्क है और इसका टाइम कॉन्स्टेंट पूछा है सो तो अब किसी भी नेटवर्क का जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी नेटवर्क का टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है बहुत सारे तरीके हैं टाइम कॉन्स्टेंट बता देंगे लेकिन एक सिंपल सा रूल जो मैं फॉलो करता हूँ वो सबसे बेस्ट है आज तक हमेशा मेरे काम में आया है सिंपल सा रूल नहीं है एक लॉ है लॉ भी नहीं कह सकते हैं फॉर्मूला है जो भी है ट्रिक मान लें तो मैं लिखता हूँ टाइम कॉन्स्टेंट का तो टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एनी नेटवर्क एनी ऑर्डर नेटवर्क कितना ही बड़ा नेटवर्क हो कितना ही छोटा नेटवर्क हो उसका टाइम कॉन्स्टेंट आपको हमेशा मिलेगा 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट पोल भले ही वो कितने ही ऑर्डर का सिस्टम हो
कितना ही बड़ा सिस्टम हो, उसमें से जो आपका डोमिनेंट पोल होगा, उसके मल्टीपल पोल्स हो सकते हैं, तो उसमें से जो आपका डोमिनेंट पोल होगा उसका रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड लेना है सर आपको, तो वो सिस्टम का क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए सर्किट में देखिए, सर्किट क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे एक बैटरी दे रखी है डीसी बैटरी प्लस माइनस 10 वोल्ट की, ठीक है। इसके बहुत भी और भी तरीके हैं, अपने फ्यूचर के कोई वीडियो लेक्चर आएंगे, वीडियोस आएंगे उनमें देखेंगे। तो अभी तो बस आप ये देखिए कि नॉर्मल सा सर्किट है, बेसिकली यहाँ पे जो स्विच था उसको मैंने क्लोज कर दिया है पर्टिकुलर टाइम पे। अब इस नेटवर्क का मेरे को क्या निकालने है, पोल्स निकालने हैं। तो किसी भी नेटवर्क के आपको पोल्स निकालने हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसफंक्शन। तो अगर आपको इसका ट्रांसफंक्शन निकालना है तो इसको आप क्या बना लीजिए, सर्किट को फटाफट इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप लाप्लास, इसका पूरे सर्किट का लाप्लास ले लीजिए। तो सर्किट का लाप्लास क्या हो जाएगा, जो डीसी बैटरी है उसका क्या हो जाएगा, 10 V अपॉन S, बेसिकली V अपॉन S, VDC अपॉन S। जो कैपेसिटर है इसका क्या बनता है आपका लाप्लास, 1 अपॉन SC, और बाकी रेजिस्टेंसेस सेम रहते हैं आपके उसके अंदर लाप्लास सर्किट के अंदर। तो अब आप बोलेंगे किसके रेस्पेक्ट में टाइम हम ट्रांसफंक्शन लिखें, तो आप कुछ भी पैरामीटर लीजिए, कुछ भी पैरामीटर लीजिए। आप मान लीजिए ट्रांसफंक्शन ले रहे हैं कि इनपुट तो आपका यही है, ऑब्वियसली बात है, आप ट्रांसफंक्शन ले रहे हैं इस करंट का, इस करंट के थ्रू आप ट्रांसफंक्शन निकाल रहे हैं। बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, IS अपॉन VS का रेशियो, इसको मैं VS बोल रहा हूँ टाइम फॉर द टाइमिंग। तो आप इसका अगर रेशियो निकाल रहे हैं, आप इसके अक्रॉस वोल्टेज का रेशियो निकाल रहे हैं, इसको मैं V2 बोल देता हूँ, तो आप V2S अपॉन VS निकाल रहे हैं। आप इसके अक्रॉस वोल्टेज का रेशियो निकाल रहे हैं, V1S अपॉन VS। इन ऐसे कुछ भी इन्फाइनाइट कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, इनके जो भी पैरामीटर्स बनेंगे, आप और कुछ भी ले सकते हैं, आप V2S अपॉन V1S भी ले सकते हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसफंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो उस वक्त जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है पूरे सिस्टम की, वो सेम होगी। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आई है तो उसके जो पोल्स होंगे वो भी सेम आएंगे वो, और बस हाँ एक फर्क हो सकता है कि जो ओरिजिन पे पोल है वो शिफ्ट हो सकता है, समझ रहे मेरी बात। तो ओरिजिन में जो पोल है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मल्टी ऑर्डर पोल भी हो सकता है अगर आप किसी और चीज़ का रेशियो निकाल रहे हैं तो। लेकिन जो आपके बाकी पोल्स आएंगे बचे हुए वो आपके फॉर श्योर है कि सेम आने वाले हैं, किसी भी ट्रांसफंक्शन को आप ले लीजिए, क्लियर है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, सबसे ईजी ले लेता हूँ मैं, कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है मैं इसको Vout बोल देता हूँ मेरे ईजीनेस के लिए, और मैं Vout S अपॉन V input S का रेशियो निकालता हूँ, उसको मैं V input S बोल रहा हूँ, ठीक है। तो Vout S अपॉन V input S, तो अब कैसे निकलेगा ये देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा मैं आपको बोर कर रहा हूँ, लेकिन देख लीजिए, फर्स्ट टाइम है, अगली बार मैं थोड़ा और तेज कोशिश करूँगा। तो इस पूरे इम्पिडेंस को मैं ZS बोल रहा हूँ। तो वॉट इज ZS? ZS विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2R एंड कैपेसिटर, बेसिकली इस रेजिस्टर और इस कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कैसे हो जाएगा, 2R पैरेलल इज 1 अपॉन SC, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लिख सकता हूँ, 2R इंटू 1 अपॉन SC अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन SC, गॉट इट। अब इसका मैं LCM ले लेता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करता हूँ फटाफट, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2R SC, को दिक्कत याद रख, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास ZS तो आ गया, अब मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं इसको Z1S Z1S बोल सकता हूँ, इसको मैं Z2S बोल देता हूँ, थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है, मैं वोल्टेज डिवाइडर से ये रेशियो जरूर निकाल सकता हूँ। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ देखिए जरा, कि Vout S जो होगा उसके अंदर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगा रहा हूँ, तो Z2S अपॉन Z1S प्लस Z2S मल्टीप्लाइड बाय V input S, गॉट इट। अब मुझे बस इसमें वैल्यूज डालनी है, तो Z2S की वैल्यू कितनी है, 2R अपॉन 1 प्लस 2R SC अपॉन Z1S की वैल्यू है R प्लस 2R अपॉन 1 प्लस 2R SC। आई होप दिख रहा होगा, मैंने अभी तक चेक नहीं किया कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 2R अपॉन R प्लस 2R² SC प्लस 2R। अब आपको एक R भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो कर लीजिए, ये हो रहा है कैंसिल, तो फाइनली बनेगा 2 अपॉन
टू अपॉन, और साथ में इधर विन पुट एस भी चल रहा है, टू अपॉन थ्री प्लस टू आर एस सी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो फाइनली आपके पास क्या बना, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, वी आउट एस इज इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री प्लस टू आर एस सी मल्टीप्लाई बाय वी आई एस। मुझे निकला है ट्रांसफंक्शन, तो ट्रांसफंक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट विद इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू जीरो। ये डेफिनेशन को रिवर्स करके एक बार दोबारा सुन लेना जो मैंने बोली है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है ट्रांसफंक्शन की, बार बार आपके बहुत जगह काम आएगी। बस अब मुझे क्या देखने, इसके पोल्स देखने। तो इसके पोल्स आपको सिर्फ सिंगल पोल दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिख रहा है, तो इसके पोल्स क्या हो जाएंगे, एस इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय टू आर सी, पूरा प्योरली रियल पोल है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, देखिए जरा, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा, वन अपॉन रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल का मैग्नीट्यूड। तो पहली बात तो एक ही सिंगल पोल है तो खुद ही डोमिनेंट हुआ, इसका रियल पार्ट है, प्योरली रियल है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो कितना बचेगा, प्लस थ्री बाय टू आर सी, उसका फिर मेरे को क्या करना है, इन्वर्स करना है, तो टू आर सी बाय थ्री। गॉट इट, तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। ऑप्शन में इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, डी ऑप्शन, यूनिट लिख लेना सेकेंड्स, आई होप क्लियर होगा आपको। कुछ भी गलती हुई हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मेरा पहला लेक्चर है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, थैंक्स अ लॉट।